उत्तराखंड के रुड़की में गणेश विहार कॉलोनी और शेखपुरी कॉलोनी निवासियों में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब दोनों पक्ष रास्ता बंद करने के मामले में आमने सामने आ गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि आज उस समय हंगामा हो गया जब गणेश विहार के लोगों ने दीवार बनानी शुरू की, जिस पर शेखपुरी के लोग भड़क गए। दोनों पक्षों में तरह तरह का माहौल पैदा हो गया। सूचना पाकर रुड़की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। मौके पर पहुंचे रुड़की सीओ ने दोनों पक्षों को कड़े लफ्जों में समझाया और व्यवस्था भंग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। रुड़की सीओ स्वप्न किशोर ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही और दोनों पक्षों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले को निपटाने को कहा गया। उन्होंने बताया यदि कोई पक्ष शांति व्यवस्था बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। समस्या ये हो रही है कि यहाँ एक तरफ जो है ये दलित गरीब लोग रहते हैं, दूसरी तरफ स्वर्ण कास्ट के लोग रहते हैं। बीच में सड़क, उधर से भी सरकारी सड़क है, इधर से भी सरकारी सड़क है, लेकिन जबरदस्ती इन लोगों ने जो है अपनी दबंगाई दिखा करके सड़कों के बीच में दीवार खड़ी कर दी और दीवार खड़ी करके जो है अब लोगों को इधर से रास्ते सबके सब बंद कर दिए हैं। आने वाले टाइम में अगर घर में सिलेंडर कोई फट जाए, आग लग जाए, तो ये लोग कहाँ को अपने एम्बुलेंस कहाँ को बुलाएंगे और क्या नाम फायर ब्रिगेड कहाँ को आएगी। बच्चे पर जन्म, कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए क्या सुविधा है। यहाँ चारपाई पर रख के उसे वहाँ मेन सड़क तक ले जाते हैं। स्टेट से मिलने के लिए लोग गए थे, महिलाएं गई थी, उनसे बात हुई थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने यह कहा था कि मैं कल को आकर के मौका मायना करूंगी, लेकिन मौका मायना उन्होंने नहीं किया। इसी बीच में लोगों ने दीवार को ऊंची खड़ी कर दिया। हमारी कॉलोनी शेखपुरी नाम से एक काफी सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं सर, तो जैसे हमारा को हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें ये रास्ता दे दीजिए, वो रास्ता दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई लेडीज की डिलीवरी वगैरह होती है तो हमको उसको यहाँ से लेकर स्टेशन में आ करके बाहर चारपाई तक को उसको लेकर के जाना पड़ता है, और जैसे कोई बीमार भी हो जाता है तो रास्ता इतना है कि 108 वगैरह गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं आ पाती, तो हम चारपाई पे ही लेकर के जाते हैं। और हमारे घर में भी इधर इतना पानी भरा है, हमने पहले भी देखा है, तो क्या डिलीवरी केस में अगर किसी की जान चली जाए तो कोई इसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर ये कॉलोनी बंद है और ये हमेशा बंद रहती है, लेकिन ये सामने बराबर में जो मकान बन रहा था उसकी वजह से उसने अपना बीम डालना था, उसने 2-3 ईंटें निकाली होंगी जिससे इन्होंने उसको धीरे धीरे दीवार तोड़ते चले गए कि हमारा रास्ता इधर से खुल गया। और ये जो सामने घर है जिन महिला का, वो क्रिश्चियन है कन्वर्टेड, और उन्होंने इन सबको भड़काया कि दलित राजनीति हो रही है ये और मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ये सारा मुद्दा जो है, जो एक पर्सनल मुद्दा था, इसको इन्होंने पॉलिटिकल बना दिया। हाँ सर, हम कल वहाँ पे गए थे एसडीएम के पास, एसडीएम ने बोला मैं या तो शाम को आऊंगी या सुबह जरूर आऊंगी, तो हमने सभी आदमी वहाँ पे इकट्ठा हो गए मंदिर पे, और इन्होंने दीवार बनानी शुरू कर दी। इधर हम उधर इकट्ठा हो रहे थे सभी लोग, तो जी इन्होंने जब दीवार बनानी शुरू कर दी हम सभी इकट्ठा हो गए यहाँ पे आगे। एक दीवार को जो दो कॉलोनी के बीच की दीवार है उसके निर्माण को लेकर विवाद की एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति बना दी गई है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है लोगों को कि इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को के समक्ष दोनों पक्ष रखेंगे और उसके बाद सुसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। जो निर्णय होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। तो HRDA से नक्शा मंगाए जाने की बात कही गई है और उसके बाद ही, उसके अवलोकन के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई है। व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करेगा, उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।